नमस्ते, मायसेल्फ डॉक्टर श्रीवाणी उपरपेली, एमडी इन प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा जर्नी, वेयर वी एक्सप्लोर एंशिएंट विजडम ऑफ आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स टू इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ एंड लीड अ हैप्पी लाइफ। सो टुडे आई वांट टू टॉक ऑन द टॉपिक ओवर थिंकिंग। क्या आप ओवर थिंकिंग करते हैं? बार बार एक ही विषय पर सोचना और उसके रिजल्ट्स के बारे में विचार करना, क्या ये सही होगा, क्या ये गलत होगा, एंड सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर से उसी टॉपिक पर आप विचार करते हैं, ऐसा आप करते हो क्या? तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपको भी पता है कि एक ही विषय पर बार बार ओवर थिंकिंग करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो कर्म करो, यानी आपको सॉल्यूशन निकालना है एंड अपने मन को उसी राह पर सॉल्यूशन के जैसे बिहेव कराना है, नहीं तो फिर मन का तो कार्य है ही चंचलता, वो आपको और परेशान करेगा एंड ओवर थिंकिंग करने के लिए और फोर्स करेगा। ऐसे कई पेशेंट हैं मेरे पास, जैसे एग्जांपल एक पेशेंट थे एंड उनका ऐसे कहना था कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, उनका भी और मेरा भी, वाइफ एंड हस्बैंड, एंड दे गॉट मैरिड हैप्पीली विद द सेकंड वाइफ एंड सेकंड हस्बैंड, एंड नाउ दे आर ओवर थिंकिंग आफ्टर इवन आफ्टर 10 ईयर्स कि इनके साथ ऐसे क्यों हुआ। So, ऐसे कई सवाल आते हैं मेरे पास, कोई भी सिचुएशन को लेकर, या अभी फिलहाल में कोई सिचुएशन है कि अगर मेरे साथ, हाँ समझो एक एग्जांपल देती हूँ कि मुझे एक पर्सन पसंद है, ओके तो मुझे इनसे शादी करना है, बट वो प्रकृति नहीं हेल्प कर रही है, तो आप फिर भी चाहते हो कि मैं मुझे वही पर्सन से शादी करनी है, फिर आप ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर थिंक, बट आपको वो लड़का पसंद तो है बट शादी करने जैसे भी है, बट फिर भी आपको नहीं करना उससे शादी। कभी कभी ऐसे होता है कि यू आर कन्फ्यूज्ड कि मुझे उससे करना है कि नहीं करना है शादी। तो ऐसे सिचुएशन आजकल बहुत होते हैं। फर्स्ट, क्योंकि मे बी अहंकार, या फिर आप काफ़ी एजुकेटेड है, काफ़ी नॉलेजेबल हैं, तो आपके साथ ये कन्फ्यूजन निर्माण होना ही है, तो आपको कुछ भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है उस सिचुएशन पर, गो विद द फ्लो ना, आप भगवान पर भरोसा कीजिए ना, क्यों खुद इतना ओवर थिंक। भले ही चलो आपकी शादी भी हो गई, बट कल जाके कुछ अच्छा नहीं होना होगा, ऐसे सोचना और फिर उस पर सॉल्यूशन निकाल कर, जैसे भी हो, अगर घर वाले मान रहे नहीं मान रहे बट आपको फिर भी शादी करना है, तो करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, बट मन को विचलित करोगे तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स लाइफ, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा एंड जो आप फिलहाल में जी रहे हो वो भी आप हैप्पीली नहीं रह पाओगे। बट एक आप हमेशा याद रखना, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, भले ही वो आप कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, आप गरीब हो, आप अमीर हो, कुछ भी हो, बट हमेशा हैप्पी रहो एंड प्लीज़ खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझना एंड खुद को कन्फ्यूजन में नहीं डालना। और मैं हर वीडियोस में बताती हूँ कि मन का जो चंचलता है, स्टेबिलिटी नहीं होता है, स्थिरता नहीं होता है ना, तो उसके ऊपर काम करो बस। एंड सबसे ऊपर जो मनुष्य का लक्षण है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये जो प्लस धार्मिक है ना, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी रखो, चाहे आप कोई भी रिलीजन के हो, एंड भगवान पर भरोसा, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअलिटी कोई भी डेफिनेशन आप आपके हिसाब से दे सकते हो, बट माय ओपिनियन कि आपको एक अदृश्य शक्ति पे भरोसा रखना है। एग्जांपल, आप सोते हो राइट, और सुबह में उठ जाते हो, तो आप कहाँ जाते हो? ऐसे कभी आप सोचते हो ना, काफ़ी पेशेंट मुझे पूछते हैं,
एंड आप खाना खाते हो, अपने आप वो डाइजेशन प्रोसेस होता है, आप आंखों से देख रहे हो, तो आप नहीं देख रहे, आपकी आंखें देख रही है। तो वैसे ही आप वो अदृश्य शक्ति पे विश्वास करो एंड ऐसे ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं। आप हमेशा खुद को इन्फीरियर न समझ के अच्छे से समझना खुद को, हाँ प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम हैप्पी, वॉट एवर इज हैपनिंग इट इज़ फॉर माई बेस्ट, ऐसे ही सोच के आपको कैरी ऑन करना है एंड ओवर थिंकिंग नहीं करना है एंड फॉलो आयुर्वेदा। ओके, थैंक यू।